आज फिर मैं आपके बीच एक स्टोरी लेकर आया हूँ। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। स्टोरी का नाम है कार के अंदर लाश। शहर में एक विशाल इलेक्ट्रिक कार शोरूम खुलती है। कई लोगों ने कारों पर एक नजर डालने के लिए शोरूम को देखने के लिए गए। रिचर्ड और केविन ने भी एक यात्रा दी। रिचर्ड टेस्ट ड्राइव के लिए कार में गोता लगाते हैं और अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब प्रकाश वापस आता है तो रिचर्ड कार के अंदर मृत पाया जाता है। डिटेक्टिव मेहुल, जो शोरूम में भी थे, अपराध स्थल पर पहुंचे। कुछ देर के बाद मेहुल तीन संदिग्धों की पहचान करता है। केविन, मैं बकाए के लिए बैंकरों से बात कर रहा था। प्रबंधक, सर मैंने रिचर्ड सर को कार के मूल्य निर्धारण के बारे में सूचित किया और एक अन्य ग्राहक को देख रहा था। मैकेनिक, सर मैंने पेट्रोल टैंक और कार की मरम्मत कर रहा था। उनके बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? केविन, प्रबंधक। मैकेनिक, आपके पास 5 सेकंड है। वीडियो को पुश करके कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। जब शोरूम इलेक्ट्रिक कारों का होता है तो मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे बता सकता है? वही मैकेनिक ने ही रिचर्ड को मार डाला। और वो जो लाल वाला बटन है, उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।